सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी M20S के बारे में। तो पिछले दिनों मैंने आप लोगों को बताया था कि सैमसंग बहुत जल्द अपने M सीरीज में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो कि सैमसंग गैलेक्सी M20S। सैमसंग गैलेक्सी M20S की एक हाईलाइट फीचर्स ये है कि यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा और अभी तक 10 से 15000 में कोई भी ब्रांड और कोई भी स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को नहीं मिलता। तो ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा जो बैटरी के लिए एक स्मार्टफोन देख रहे थे, जिनको काफ़ी अच्छा खासा बैटरी बैकअप चाहिए, तो वो लोग सैमसंग गैलेक्सी M20S बाय कर सकते हैं। लेकिन कितना अपग्रेड होगा पुराने सैमसंग गैलेक्सी M20 से, तो जहाँ तक अभी जो डिटेल्स निकल के सामने आई है उससे आप लोगों का दिल यहाँ पर टूट के रह जाएगा, क्योंकि आप लोग जितना एक्सेप्ट कर रहे थे उतना ये स्मार्टफोन में दम होने वाला तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा 6.4 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, लेकिन ये एक TFT डिस्प्ले होने वाला है, ना तो यहाँ पर आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। प्रोसेसर हर एक फ़ोन का मेन पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सेम वही चिपसेट मिलेगा जो चिपसेट आपको सैमसंग गैलेक्सी M20 में ऑलरेडी देखने को मिलता है। तो क्या आप लोग सिर्फ बैटरी की वजह से एक फ़ोन को बाय करेंगे? मैं मानता हूँ कि 6000 mAh की बैटरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फ़ोन का डिस्प्ले, चिपसेट, कैमरा, वो सब भी तो आपको देखना होगा। यहाँ पर आपको बैक साइड में मिलेगा डुअल कैमरा का सेटअप 16 MP प्लस 5 MP का, और फ्रंट में अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि आपको 16 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड का 9 मिलेगा और आपको सैमसंग का One UI यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर नहीं होगा क्योंकि TFT डिस्प्ले है, इसका मतलब बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। 4GB 64GB और देखते हैं कि कितना वेरिएंट यहाँ पर लॉन्च करे। हालांकि इस फोन की जो प्राइसिंग है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है और बताया जा रहा है कि जो सैमसंग गैलेक्सी M20S है इस फोन की प्राइसिंग 13,000 रुपीज़ होने वाली है, यानी कि 12,990 रुपीज़। चलिए सब कुछ स्पेस आप लोग देख ही लेंगे कैसा होगा ये स्मार्टफोन, लेकिन जो चिपसेट है एटलीस्ट सैमसंग को इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो फ़ोन का स्पेस तो आप लोगों ने देख ही लिया, लेकिन चिपसेट सेम आपको वही चिपसेट मिलेगा जो आपको सैमसंग गैलेक्सी M20 में देखने को मिलता है। तो क्या आप लोगों को ये चीज़ पसंद आएगा? क्योंकि यार सैमसंग का ये पुराना आदत है, वो अपने एक ही चिपसेट को बार बार हर एक स्मार्टफोन में यहाँ पर देता है। मैं ये नहीं कहता कि फ़ोन ख़राब होगा, बैटरी के लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, जिनको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए उनके लिए काफ़ी अच्छा डील ये बन पाएगा, लेकिन सिर्फ बैटरी की वजह से आप फ़ोन तो बाय नहीं करेंगे ना, फ़ोन में चलाने लायक भी तो होना चाहिए। अब इससे आप 3 दिन का भी बैटरी बैकअप ले सकते हैं, क्योंकि अगर फ़ोन में अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो फिर फ़ोन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि फ़ोन ख़राब है, लेकिन ये फ़ोन उन लोगों के लिए ठीक है जो सिर्फ व्हाट्सअप, फेसबुक, वीडियो देखते हैं और उनका कुछ गेमिंग से कोई काम नहीं है, वो ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए परफेक्ट होगा। लेकिन अब जो लोग गेम खेलते हैं, जिनको हैवी मल्टीटास्किंग करना आता है, मतलब वो करना चाहते हैं, तो उनको ये स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि चिपसेट उतना पावरफुल नहीं है जो आज के टाइम में आपको 15,000 के नीचे के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। अब आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।